हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनों का ये सवाल होता है कि एक मसीही को, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बंधु हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले, उनके घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में उस मसीही व्यक्ति को बहुत ही सताव का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अन्य धर्मों से निकलकर प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन सबके मन में ये क्वेश्चन होता है, सभी लोग ये पूछते हैं कि मरने के बाद हमारा शरीर जलाया जाना चाहिए या दफनाया जाना चाहिए, बाइबल के अनुसार क्या सही है। क्योंकि वह व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, वह अपने धर्म से निकल कर, अपने रीति रिवाजों से निकल कर प्रभु के पास आता है और उस पर विश्वास करता है ताकि उसका उद्धार हो सके। हो सकता है उनके परिवार के लोग, उनके भाई बहन, उनके माता पिता या पड़ोस के लोग प्रभु पर विश्वास ना करते हों, तो वह अपने घर में एक केवल मसीही होता है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि उसके परिवार में यदि कोई मर जाता है तो अब तो ठहरा भाई वो अकेला मसीही, लेकिन उसके परिवार के लोग मसीही नहीं होते हैं। हो सकता है उसके परिवार में बहुत सारे मूर्ति पूजा भी लोग करते हैं, क्योंकि मरने के बाद बहुत सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं, वहाँ पर मूर्ति पूजा भी किए जाते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज को निभाए जाते हैं, है ना। तो उस बेचारे भाई को, यानी वो जो मसीही है, उसको बहुत ही दुख का अनुभव करना पड़ता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस विपत्ति के समय में मुझे उन रीति रिवाजों को मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। आज ये वीडियो इसी पर आधारित है मेरे प्रियो, हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि उस मसीही को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है। जैसे पहले रीति रिवाज करते चले आए थे लोग, उनके घर बहुत सारे धर्म गुरु भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव समाज के लोग भी होते हैं जो उसी मूर्ति पूजा में वही पुराने रीति रिवाजों को करने को कहते हैं, और वो व्यक्ति विवश होकर उसको करना पड़ता है। उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे इन सारे रीति रिवाजों को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। देखिए, बाइबल इसके बारे में स्पष्ट मना करता है। इफिसियों अध्याय 4 के 17 और 18 में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें हैं और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो क्या है, वो अन्य जाति के लोग हैं। उनका सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग यही कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे जो कुछ भी करना है मैं स्वयं कर सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के पास परमेश्वर क्यों जाएगा। जो इंसान परमेश्वर की कदर न करता हो, परमेश्वर को अपने पास नहीं बुलाता हो, क्या उसके पास परमेश्वर जाएगा, नहीं जाएगा। आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का क्षमा मांगता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे तू माफ कर, मैं जानता हूँ कि तेरे क्रूस के बलिदान से सबके पाप क्षमा होते हैं, सबका उद्धार होता है, जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करता है वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करता है। अन्य जाति के लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, प्रभु से अपने पापों का क्षमा नहीं मांगना चाहते। देखिए मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, सभी लोग तो धर्म को मानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, जो कुछ संसार में चल रहा होता है उसी के अनुसार चलते हैं और वही अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, चाहे उनके भाई हों, माता पिता हों या पड़ोस के लोग हों। यदि किसी व्यक्ति के घर किसी का मौत हो जाता है और वह एक विश्वासी है, प्रभु पर विश्वास करता है, तो अधिकतर लोग यही सलाह देते हैं कि इसको जला दीजिए। तो इसमें क्या बुराई है, चाहे तो आप किसी मसीही के शव को जला भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, हर एक भाई बहन को ये टेंशन होता है, उसके दिमाग में ये भ्रम होता है कि यदि किसी मसीही के शव को जला दिया जाता है तो जब पुनरुत्थान होगा, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो उस व्यक्ति के शव का पुनरुत्थान होगा कि नहीं होगा। जैसा कि बाइबल सिखाता है कि पुनरुत्थान केवल उन्हीं लोगों का होगा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं।
वह फिर से जी उठेंगे, उनको प्रभु एक नया शरीर देगा जो अलौकिक होगा। तो इस बात का हमारे बहुत सारे भाई और बहनों को टेंशन होता है कि एक मसीही के शव को जलाना चाहिए या दफनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, इसमें एक मसीही के शरीर को ना ही गाड़ने को कहा गया है और ना ही जलाने को, यह स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है। पुराने समय में क्या होता था, किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान देने के लिए उसके शव को गाड़ देते थे, उसको जलाते नहीं थे। इजराइल में यहूदी लोग भी ऐसा करते थे। यहूदियों में कोई कोई लोग जो अमीर होते थे, जब उनके घर कोई मर जाता था तो वह उस शव को जमीन के ऊपर गाड़ देते थे। लेकिन जो यहूदी गरीब हुआ करते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह मिट्टी खोदकर ही गाड़ते थे। लेकिन जो अमीर होते थे, वे एक घर नुमा बनाकर कब्र को, उसी कब्र में उस शव को रख दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह भी एक गरीब व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु मसीह मर जाता है तो उसके शव को यूसुफ अरमतिया नाम के व्यक्ति उनके शव को अपने कब्र में रखवाते हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 27 के 57 से 60 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा यह जो शरीर है वह क्या है, एक मिट्टी है। परमेश्वर ने इसे मिट्टी ही से बनाया है और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर भी क्या है, मरने के बाद मिट्टी बन जाता है। आप इसको मारे, काटे या कुछ भी करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें से आत्मा निकल चुका है, तो अब यह किस काम का, किसी काम का नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव का कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं। यदि किसी के शव को ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, महामारियां आ जाएंगी, लोग बीमारियों से मरने लगेंगे। तो इस शव को कोई न कोई इंतजाम करना पड़ता है, इसको ठिकाने लगाने के लिए, ठीक है ना। या तो उसको गाड़ दीजिए या तो जला दीजिए। सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 5 के 1 और 2 में लिखा है, यहाँ पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा अगर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। चिरस्थाई का क्या मतलब होता है कि जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारा शरीर एक ऐसी अलौकिक शरीर में बदल जाएगा जो कभी ना ही मरेगा ना ही मिटेगा। ये परमेश्वर का दान है। हमें एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी ताकि यदि हम जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, मिनटों में, सेकेंडों में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ना ही हमारे शरीर में कोई रोग होगा, ना ही पीड़ा होगा। हम जो इस दुनिया में कराते रहते हैं ना, दर्द से झेलते हैं, आगे वचन में लिखा है, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। ये उसी घर का बात हो रहा है जो प्रभु हमको एक चिरस्थाई शरीर देगा। इस दुनिया में क्या है, आज एक एक इंसान पैसों के लिए परेशान है, गरीबी से मर रहा है, खाने बिना, कपड़े बिना, बीमारी से, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं। किसी को कैंसर है तो किसी को शुगर है, किसी को टीबी है, मतलब आज 99% लोग ऐसे हैं जो बीमार की स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि वो दवाइयां नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो इसीलिए ये वचन कहता है कि इस शरीर में तो हम कराते रहते हैं और रोते रहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत दुख है, पीड़ा है। लेकिन जो प्रभु हमको शरीर देगा वो क्या होगा, वो अलौकिक होगा। उसमें कोई दुख नहीं होगा, उस शरीर में कोई पीड़ा या दर्द नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही बनाया है और एक दिन ये शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद किसी शव को गाड़ देता है तो वह कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद मिट्टी ही बन जाता है। आप देखते होंगे जो पुरानी कब्रें होती हैं, जो 1000 साल पहले या 1500 साल पहले जो कब्रें होती हैं ना, यदि आज के समय में उनको खोदकर देखा जाए तो वो मिट्टी ही बन चुके होते हैं। बाइबल सिखाता है कि जब पुनरुत्थान होगा तो पुनरुत्थान विश्वासी और अविश्वासी दोनों का होगा। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास नहीं किए होंगे उनको अलग स्थान दिया जाएगा, और जो प्रभु पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करते चले आ रहे हैं उनको एक अलग स्थान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पुनरुत्थान दोनों का होगा, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ठीक है ना।
आप देखते होंगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो फिरौन के समय में जब मूसा इजरायलियों को लेकर आ रहा था तो रास्ते में क्या पड़ता है, एक समुद्र पड़ता है। परमेश्वर उस समुद्र को दो भागों में बांट देता है, सारे इजरायली समुद्र से बाहर उस पार निकल जाते हैं, होता है ना। लेकिन जो फिरौन के पीछे सेना पड़ी होती है, जो इजरायलियों को सेना पीछे से दौड़ा रही थी और इजरायली आगे आगे भाग रहे थे, वो फिरौन की सेना क्या होते हैं, उसी समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। तो उनके शव को जो डूब के मर चुके होते हैं, उनके शव का क्या होता होगा, या तो मछलियाँ खा लेती होंगी या तो वो पानी में सड़ जाता होगा। वैसे ही हम नूह के समय में देखते हैं, नूह के समय में जब जल प्रलय होता है तो नूह और नूह के परिवार वाले उस नाव में चढ़ जाते हैं और उसका सारा परिवार प्रलय से बच जाता है। लेकिन जो अन्य जाति के लोग होते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वे क्या होते हैं, वे उसी पानी में उसी प्रलय में डूबकर मर जाते हैं। तो उनका भी शव जो होता है, उनके शव को भी या तो मछलियां खा लेती होंगी या तो वो भी पानी में सड़ जाता होगा या फिर कीड़े मकोड़े खा लेते होंगे। बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासी भी हो सकते हैं जो प्रभु के सच्चे विश्वासी होते हैं, कभी कभी वह भी नाव में डूबकर मर जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे मसीह भी होते हैं जो बम ब्लास्ट में, धमाके में भी मर जाते हैं, उनके चिथड़े इधर उधर सब बिखर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी मसीही होते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब वे जाते हैं जंगलों में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आदिवासियों को, तो बहुत सारे जानवर उनको मारकर खा जाते हैं, तो उनका भी पुनरुत्थान होगा ना। आप देखते होंगे कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रभु के विश्वासी होते हैं जो युद्ध में मार दिए जाते हैं, तो उनका शव ऐसे ही पड़े पड़े या तो जानवर खा लेते हैं या तो वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है या तो वे बम ब्लास्ट में जल जाते हैं, उनके शरीर के भाग इधर उधर उड़ जाते हैं, ना ही उनके हड्डियों का पता चलता है और ना ही उनके मांस का पता चलता है। तो क्या उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, उनका भी पुनरुत्थान होगा। देखिए, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका जिसका शरीर का अंश जहां जहां होगा वो इकट्ठा होकर जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो वो इकट्ठा होकर एक अलौकिक शरीर में बदल जाएगा। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हम किसी मसीही के शव को जलाते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप दफनाते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों दशा में वो मिट्टी में ही मिल जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को उन भाई बहनों तक भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर को जला भी दिया जाता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।